नमस्ते, वेलकम टू माय हंगर पैंग्स। रमजान का महीना है और बगैर बिरयानी के ये इनकम्प्लीट है। चलिए आज हम आपके साथ बनाते हैं एक सिंपल, इजी और होम कुक्ड चिकन बिरयानी। सबसे पहले हम चिकन बिरयानी के लिए चिकन की तैयारी करेंगे। हम लेंगे करीब 2 से 3 बिग टीस्पून ऑयल यूज कर सकते हैं, या आप घी भी इस पे यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट 1 या 2 तेज पत्ता। नेक्स्ट इस पे पड़ेगा अखा या होल गरम मसाला। हम इस पे डालेंगे 2 या 3 छोटी इलायची। इसके बाद 2 या 3 छोटे लवंग हम तेल में डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे दालचीनी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट 2 या 3 होल काली मिर्च। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 1 छोटा सा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। ये पेस्ट घर पे भी बना सकते हैं या बाहर से खरीद भी सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि आपका प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाए। हमारा प्याज ऑलमोस्ट पक चुका है और हम इस पे डालेंगे चिकन। चिकन हमने पहले से हल्का सा मैरिनेट कर रखा है। हम इसमें यूज कर रहे हैं 1/2 किलो चिकन और मैरिनेशन में हमने इसमें ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच दही, छोटी सी चम्मच हल्दी, लाल मिर्च और आप देख सकते हैं हरी मिर्च काट के। अगर आपके पास टाइम है तो आप 4 से 5 घंटा इसे मैरिनेट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 10 मिनट मैरिनेट कीजिए और अपना चिकन बनाना शुरू कर दीजिए। चिकन को अच्छी तरीके से मिला लीजिए ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिल जाए। अब हम इस पे डालेंगे सारा मसाला। हम इसमें डालेंगे करीब 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप ज़्यादा तीखा चाहते हैं तो आप ज़्यादा मिर्ची भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है धनिया और जीरा पाउडर। हम इसमें डालेंगे करीब 1 छोटा सा चम्मच धना जीरा पाउडर। अगला इंग्रेडिएंट 1/2 चम्मच हल्दी। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर ले और करीब 5 से 10 मिनट इसे पकने दें। इस पे हम डालेंगे चुटकी भर नमक। अच्छे से मिला लेंगे और इसे पकने के लिए ढक देंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट हो गया है, हमारा चिकन पक रहा है। आप इस पे डाल सकते हैं 1/2 कप या 1 कप पानी। एक बार और मिला लीजिए और चिकन को पकने के लिए ढक दीजिए। अब हमारा चिकन पक रहा है, हम इसे पकने देंगे और अपनी चावल की तैयारी चालू कर देंगे। हम यहाँ पहले से ही 2 कप बासमती चावल भींगा के और फिर सुखा के रखे हैं। पैन हमारा गरम हो चुका है। हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच घी। आप इसको तेल से भी बना सकते हैं या बटर भी यूज कर सकते हैं। घी हमारा गरम हो चुका है और हम इसमें डालेंगे अखा गरम मसाला। हम इसमें डालेंगे 2 या 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लवंग और अखा काली मिर्च। इसके बाद हम डालेंगे इस पे ड्राई फ्रूट्स। हम काजू और थोड़ा सा किशमिश इस पे डालेंगे। आप चाहे तो आप इसे ना भी डाल सकते हैं, हालांकि बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं और कुछ लोग बिरयानी विदाउट ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं।
सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिला लीजिए। हमारा ड्राई फ्रूट्स ब्राउन हो चुका है, हम इसमें डालेंगे हमारा चावल। हम यहाँ पे 2 कप बासमती चावल लिए हैं। चावल को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए ताकि गरम मसाला और ड्राई फ्रूट्स चावल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए और खुशबू आने लगे। हमारा चावल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। 5 से 7 मिनट हो गए हैं और हमारे चावल से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब पानी डालने का समय आ चुका है। अगर हम 2 कप चावल यूज़ कर रहे हैं तो आप करीबन 3 कप पानी इसमें डाल सकते हैं। एक बार इसे अच्छी तरीके से मिला लीजिए। इसे पकने के लिए ढक दीजिए। बिरयानी के लिए हम चावल अध पक्का रखेंगे। उसके बाद हम इसे चिकन के साथ एक साथ पकाएंगे, तो करीबन 7 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट हम चावल को पकाएंगे। हमारा चिकन और राइस अभी बिरयानी की लेयरिंग के लिए तैयार है। याद रहे कि जब हम बिरयानी बना रहे हैं तो राइस और चिकन 3/4 कुक होना चाहिए। सबसे पहले हम अपने बर्तन में 2 छोटे चम्मच घी डाल सकते हैं। अगर आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी घी डाल सकते हैं। जितना ज़्यादा घी पड़ेगा उतना ज़्यादा बिरयानी की खुशबू आएगी। अब हम इस पे डालेंगे चावल का फर्स्ट लेयर। प्रोसेस चालू करने के पहले मैंने 1 प्याज बारीक से काट के फ्राई करके रखा था। पहले राइस के लेयर के बाद हम इसमें प्याज का 1 लेयर डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा पुदीना का पत्ता। हर लेयर पे थोड़ा सा टेस्ट के लिए और खुशबू के लिए डाल दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होगा हमारा 3/4 पका हुआ चिकन। चिकन पीसेस के साथ हम हल्का सा ग्रेवी भी लेयर कर देंगे। हमारा फर्स्ट लेयर रेडी है। अब हम इस पे डालेंगे हमारा सेकेंड लेयर चावल। हमारा बिरयानी अभी लेयर हो चुका है। इस पे लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है केसर। आप 4 से 5 स्ट्रैंड केसर दूध में भिंगा के रख दीजिए और इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो केसर न भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि केसर यूज़ करने से बिरयानी की खुशबू और टेस्ट और अच्छी हो जाती है। अब हम इसे ढक देंगे और हल्का सा दम देंगे। दम के लिए हम थोड़ा सा मैदा या आटा गूंद के रखे हैं। दम लग चुका है, हम इस पे ढक्कन लगा देते हैं और करीब 10 मिनट पकने देते हैं। दम बिरयानी
यानी कि दम लगा के बिरयानी बनाना एक फारसी टेक्निक है और इसे इसलिए यूज किया जाता है ताकि सारे टेस्ट बरकरार रहे। 10 मिनट हो चुके हैं और अब हमारी बिरयानी तैयार है। हमारा सिंपल इजी टेस्टी चिकन बिरयानी खाने के लिए रेडी है।